नमस्कार। आपके दिमाग की फंक्शनिंग इस पर निर्भर रहती है कि आप एक तो क्या खाते हैं और कैसी नींद लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन भर में आप ऐसी बहुत सारी गतिविधियां करते हैं जिससे आपके दिमाग और मेमोरी पावर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसी चीजें हैं और ये कैसे आपके दिमाग पर बुरा प्रभाव डालती है। इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे आप दिमाग के फंक्शनिंग में कैसे सुधार ला सकते हैं। पहला, लोगों से कम मिलना जुलना। जब आप समाज के लोगों से कम मिलते हैं तो इससे आपके दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रिसर्च के अनुसार जब आप लोगों से मिलते जुलते हैं तब आपका दिमाग तेज होता है और मेमोरी बढ़ती है और फंक्शनिंग में सुधार होता है। इसलिए अपने परिवार, अपने दोस्तों के लिए समय निकालिए। ऐसी कोई गतिविधियों में या सोशल वर्क में हिस्सा लें जिससे आपका दिमाग इन कामों में व्यस्त हो। इससे आपके दिमाग की फंक्शनिंग अच्छी होगी। जब आप अच्छा सोशल वर्क करेंगे इससे आपका कर्म तो अच्छा होता ही है लेकिन मन से भी आप अच्छा महसूस करेंगे। दूसरा है नींद की कमी। जब आप नींद ही कम लेते हैं तो इससे आपके दिमाग की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है और फिर आपके अनुभव को मेमोरी में कन्वर्ट होना मुश्किल हो जाता है। आपको रोज 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए। जब आप सोते हैं तब आपका दिमाग रिचार्ज होता है और मेमोरी अच्छी होती है। आप ये सुनिश्चित करें कि आप रोज रात को अच्छी नींद लें और इससे आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तीसरा, न्यूट्रिशन की कमी। हर व्यक्ति को अच्छा न्यूट्रिशन तो लेना ही चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी और बी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे न्यूट्रिएंट्स कम होने की वजह से आपके दिमाग के फंक्शनिंग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसे अवॉइड करने के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स और बेरीज, ये सारी चीजें खाएं जो कि दिमाग को तेज करने वाले फ्रूट्स हैं। ये सही चीज खाने से आपका दिमाग तो तेज होगा ही, मेमोरी भी बढ़ेगी। अगर आप खुद खाना बनाते हैं तो ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। इससे आपके दिमाग और संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होगा। चौथा, स्ट्रेस। जब आप लंबे समय तक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं तब आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है और जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं और आपकी मेमोरी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप स्ट्रेस को कम करने वाली टेक्निक्स फॉलो करें, पालन करें, जैसे कि योग आसनास, मेडिटेशन और प्राणायाम। जब आप इन तकनीकों का अभ्यास नियमित रूप से करेंगे तो आपका मन तो शांत होगा ही, आपका दिमाग भी प्रोटेक्टेड रहेगा। एक और अच्छी चीज ये है कि आप प्रकृति में, नेचर में समय बिताएं। प्रकृति में मौजूद पेड़ पौधे, पशु पक्षी वगैरह, इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करें और ये सब उनमें ऑब्जर्व करें। इससे आपका स्ट्रेस काफी कम हो जाएगा। पांचवा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जब आप लंबे समय के लिए बैठे रहते हैं तो इससे आपके शारीरिक स्वास्थ्य और दिमाग के फंक्शनिंग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपके दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, साथ ही इससे आपके ब्रेन के नए सेल्स की ग्रोथ उत्तेजित होती है और आपकी मेमोरी भी शार्प हो जाएगी। आप आसन, रनिंग, डांसिंग, ब्रिस्क वॉकिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग बहुत ही अच्छा रहता है। कुछ गतिविधियों की मदद से आप अपने ब्रेन की फंक्शनिंग सुधार सकते हैं, जैसे कुछ नई स्किल सीखना, कोई नई भाषा सीखना, न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना। ये सभी एक्टिविटीज आपके ब्रेन सेल्स को चैलेंज करती है और न्यूरल ग्रोथ को डेवलप करती है। हॉबीज, गेम्स और क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए समय निकालें क्योंकि इससे आपका दिमाग तो बिजी रहेगा ही लेकिन शार्प भी बनेगा। हमारा ब्रेन पावर और मेमोरी दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे हमारा दिमाग तेज होता है तो हम एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो अपने शरीर के साथ अपने दिमाग का ध्यान रखें। शुभमस्तु। नमस्कार।